बेचने के बदले में युवक से फिरौती मांगी गई। फिरौती नहीं देने पर गाली गलौज कर जान से मारने की भी धमकी दी गई। इस मामले में नाबालिग सहित चार युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। रेलवे में पानी बेचने के बदले में युवक से फिरौती मांगने की घटना सामने आई है। इतना ही नहीं तो फिरौती नहीं देने पर गाली गलौज कर जान से मारने की भी धमकी दी गई। घटित वाकये के बाद मंगलवार की रात नाबालिग सहित चार युवकों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जबकि नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। लश्करीबाग निवासी वीरेंद्र सिंह बब्बन सिंह रामगढ़िया रेलवे में पानी बोतल बेचता है। मंगलवार की रात 8 बजे वह घर के सामने टहल रहा था, तभी बस्ती के आरोपी सौरभ सुधीर वासनिक शुभम उर्फ वैभव भावे दिनेश देवाजी बिहाड़े और एक 17 वर्षीय नाबालिग ने चाकू दिखाकर वीरेंद्र सिंह को डराया धमकाया गाली गलौज की। इस दौरान आरोपियों ने ये कहकर वीरेंद्र सिंह को प्रति हफ्ता 3,000 रुपए की फिरौती की मांग की कि वह रेलवे में उसकी बदौलत पानी बेचता है, इससे वह जमकर पैसा भी कमा रहा है। इस कारण रेलवे में अगर पानी बेचना है तो उसे फिरौती देनी ही पड़ेगी, अन्यथा वह उसे जान से मार देंगे। इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पोलीस स्टेशन पाचपावली हद्दीतील तक्षशिला बुद्ध विहार बौद्ध चौक लष्करी बाग येथे यातील फिर्यादी जो आहे वीरेंद्र बब्बन सिंग रामगढ़िया वय 25 वर्षे राहणार यशवंत गजबे यांच्या घराजवळ तक्षशिला बुद्ध विहाराजवळ हा त्याच्या घरासमोर फिरत असताना यातील जे आरोपी आहेत सौरभ वासनिक ऋतिक उर्फ दादू गोंडाणे शुभम उर्फ वैभव बड़ा उर्फ बड़ा उद्दल भावे दिनेश बिहाड़े असे चारही आरोपींनी प्रचंड दारूची नशा केलेली होती आणि त्या नशेमध्ये त्यांनी फिर्यादीला जवळ बोलवले आणि सांगितले की आम्ही या परिसरातले दादा आहोत, तू आमच्याच भरोशावर मोठा होत आहेस। त्यातील फिर्यादी हा रेल्वे स्टेशनला पाण्याच्या बाटल्या विकण्याचा व्यवसाय करतो, तर तू रेल्वे परिसरामध्ये पाण्याच्या बाटल्या विकून मोठा होत आहेस, तर तुला आम्हालासुद्धा पैसे द्यावे लागतील महिन्याचे, आणि 3,000 रुपये आत्ता तू काढ पटकन नाही तर तुला आम्ही आता इथेच संपवून टाकू, अशी त्यांना धमकी दिली। त्यामुळे भीतीने त्याने स्वतःच्या खिशातून 500 रुपये काढून त्यांना आरोपींना देऊन टाकले होते। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि रेलवे में पानी की बोतल बेचने के बदले में हफ्ता वसूली का ये मोड़ क्या रुख अपनाता है। NBC News के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।